हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं बतख मसाला करी या डक मसाला करी बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे, लेकिन खाने में लाजवाब से भी ऊपर होगा। गाइस ये लिटरली बोल रहे हैं, बहुत ही गजब का स्वाद वाला डक करी आज बनाएंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए गाइस देख लेते हैं डक मसाला करी, वो भी बहुत आसान तरीक़े से। आज का रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर हम कुछ खड़ा मसाला को ददरा सा कूट लिए हैं, मतलब ग्राइंडिंग कर दिए हैं। अब इसमें हम लोग 2 इंच अदरक बढ़िया से धो के टुकड़ों में काट लिए हैं और 2 गांठ हम लहसुन को छील लिए हैं, उसको भी डाल दिए हैं। 4-5 हरी मिर्च को ले लिए हैं, इसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ देखिए हम फाइन पेस्ट बना चुके हैं, अब इसको एक बर्तन में निकाल देंगे। वही जार को ले लिए हैं। यहाँ पर हम 3 टमाटर को ले लिए हैं मीडियम साइज का, और एक बंच हम ले लिए हैं धनिया पत्ता को, उसको बढ़िया से धो लिए हैं। धोने का बाद ही हम इसको काट के ले लिए हैं, इसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम फाइन पेस्ट बना चुके हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर हम एक बर्तन में निकाल दिए हैं कटोरी में धनिया पत्ता और टमाटर का चटनी को, मतलब चटनी तो नहीं, चटनी भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर हम 3 मीडियम साइज का प्याज को काट लिए हैं, इसको भी ग्राइंडिंग कर लेंगे पहले। आज ढेर सारा मसाला दे के आज बनाने जा रहे हैं डक का करी। यहाँ पर प्याज भी बढ़िया से पेस्ट हो चुका है, सारे प्रिपरेशन हो चुका है। चलिए अभी डक करी बनाने चलते हैं। इसको इसी में ही रख देते हैं और बर्तन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको डाल देंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल ले लिए हैं, पूरा धुआंधार गरम कर चुके हैं क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे आज डक करी। तो अब इसमें हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल देंगे। हम यहाँ पर 4 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट को डाल दिए। अब इसको तेल में बढ़िया से भूनेंगे ताकि लहसुन का जो खुशबू है ना गाइस वो करी में आए। देखिए गाइस, यहाँ पर लहसुन बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुका है, देखिए दानेदार हो चुका है। और देखिए अब इसमें हम लोग प्याज को डाल देते हैं, 2 छोटा साइज का प्याज को काट के रखे हैं उसको डालेंगे। अब इसके लहसुन के साथ में इसको भी भूनेंगे। अब इसमें हम लोग हल्दी पाउडर को और कश्मीरी रेड चिली पाउडर को डाल देते हैं। यहाँ पर हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर को डाल दिए हैं और 1 टीस्पून हम यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर को डाल देते हैं ताकि तेल में बढ़िया सा मसाला भून जाए और कलर आ जाए। अब इसको मिला लेते हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर को भी डाल देते हैं। और 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर जीरा पाउडर को डाल देते हैं। और उसके साथ में हम 1 टीस्पून भर के चिकन मसाला को डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है गाइस, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो नहीं भी डाल सकते हैं। नहीं डालने से भी बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। अब इसको बढ़िया से मिला के 1/2 मिनट के लिए तेल में भून लेते हैं। यहाँ पर गैस को हम लो टू मीडियम में रखे हैं। अब इसमें हम जो धनिया पत्ता और टमाटर को ग्राइंडिंग करके रखे थे सारे को डाल दिए।
और इसको भूनेंगे अभी। आधा मिनट भूनने के बाद जो प्याज को पीस के रखे हैं उसको भी डाल के तेल छोड़ने तक हम लोग सौटे करेंगे। अब इसमें हम लोग प्याज का पेस्ट को डाल देते हैं। दो मिनट के लिए हम लोग सौटे करेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर ही हम लोग 1 किलो का बतख लिए थे, बतख मतलब डक को लिए थे, तो उसको हम लोग कटवाएं तो उसमें शायद 800 ग्राम तो निकला ही होगा। तो इसको हम लोग बढ़िया से धो लिए हैं। अब इसमें मसाला में डाल देते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं। डक का मीट थोड़ा लेट लगता है पकने में, तो इसको हम लोग ढक ढक के बनाएंगे। स्वाद अनुसार नमक को डाल दिए हैं। मसाला का साथ में इसको बढ़िया से हम लोग भूनेंगे ताकि मसाला भी बढ़िया से कुक हो जाए और उसका साथ में हम लोग मीट भी कम से कम 70-80% तक गल जाए। तेल छोड़ने तक हम लोग अभी 5 मिनट के लिए इसको भूनेंगे, उसके बाद ही आपको दिखाएंगे गाइस। देखिए गाइस, यहाँ पर हम 5 मिनट इसको बढ़िया से भूने लो टू मीडियम में गैस को रख के। अब इसका हालत ऐसी है, देखिए कितना गजब का इसका स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसमें हम लोग पानी को डाल के फिर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर हम 1 ग्लास पानी को डाल दिए हैं। पानी डालने वाला वीडियो स्किप हो गया है। अब इसको हम लोग उबलने के लिए रख देते हैं। अब इसको हम लोग 5 मिनट के लिए उबलने के लिए रख देंगे। देखिए गाइस, 5 मिनट हो चुका है। इसका तरी जो है काफी थिक भी हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी पानी तरी जो होता है ना, वो अच्छा लगता है। इतने ही रखेंगे, इससे ज्यादा और नहीं मारेंगे हम पानी को। बहुत ही गजब का हुआ है गाइस डक करी। साल में एक बार इसको खाना ही चाहिए। कहते हैं कि साल में एक बार ठंडा दिन में खाने से साल भर आपका कहीं भी आपका पथरी नहीं होगा, मतलब जो पेट में पथरी बनता है वो नहीं बनता है। अगर छोटा सा बदा भी होगा तो डक मीट खाने से वो गल के निकल जाता है यूरिन से। तो आप इसको जरूर से ठंडा दिन में एक बार जरूर से खाइएगा, साल में एक बार। और हम लोग घर में भी हमेशा तो नहीं होता है, डक जो होता है उसका जो मतलब मीट होता है तो वो बहुत गर्म देता है बॉडी में, गर्माहट बहुत ज़्यादा है इसमें। इसीलिए गर्मी दिन में तो कभी भी खाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, ठंडा दिन में ही बना के खाइएगा। तो चलिए अब हम आपको प्लेटिंग करके आपको दिखा देते हैं। पूरा पूरी बन चुका है हम लोग का डक करी मसाला, आप बोल सकते हैं इसको। बहुत ही गजब का हुआ है गाइस, इसका स्ट्रक्चर देख रहे ना गाइस, कितना गजब का बना है। तो चलिए आप प्लेटिंग करके आपको दिखा देते हैं। देखिए गाइस, डक करी बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पर हम प्लेटिंग भी कर चुके हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ गाइस।